अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुबई की जेलों में औरतों के साथ कैसा बर्ताव होता है। जेल का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। एक शरीफ आदमी की यही तमन्ना होती है कि कभी गलती से भी इसे कभी भी जेल की हवा खानी ना पड़ जाए। और बात अगर औरतों की हो, हालत और भी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, दुबई के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसे फॉलो करना बहुत जरूरी है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है आपको जेल जाना पड़ जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई की जेलों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, दुबई में औरतों के लिए एक अलग सेंट्रल जेल है, और इसी जेल में नाबालिग बच्चों के लिए भी अलग बैरिक है। यहाँ पर औरतें खुले में एक दूसरे से बात कर सकती हैं, बच्चों के साथ खेल सकती हैं, और दोस्तों अगर किसी औरत के साथ इसका बच्चा भी हो तो उनके लिए अलग जगह होती है, जहाँ पर बच्चों के लिए अलग से प्ले लैंड भी बना हुआ है। इस जेल की दीवारें सफेद और ऊंची होती हैं, और यहाँ वॉच टावर भी लगे होते हैं। और इस जेल में लड़कियाँ अपनी जरूरत की चीज भी खरीद सकती हैं, और अगर कोई लड़की बीमार हो जाए तो इनकी सहूलत के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं। और इस वक्त इस जेल में 400 के करीब कैदी हैं, जिसमें ज्यादातर बैरून मुल्की औरतें शामिल हैं। ये औरतें रूस, ईरान, श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुमालिक में से हैं। ये यहाँ पर या तो घूमने के लिए आती हैं या फिर कमाने के लिए। इनमें से कई तो छोटे जुर्म की सजा काट रही होती हैं, और कई बड़े जुर्म की। इन जेलों में औरतों को पिंक कलर की शलवार कमीज दी जाती है, और साथ में इन्हें चेहरा ढकने के लिए पिंक कलर का स्कार्फ भी दिया जाता है। और यहाँ की लेडी पुलिस को सब्ज रंग की यूनिफॉर्म दी जाती है। दोस्तों, ये तो वो बात है जो मीडिया ने हमें बताई है दुबई की जेलों के बारे में, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, दुबई में या तो लड़कियाँ कमाने के लिए आती हैं या फिर घूमने के लिए, लेकिन इन्हें कुछ ऐसे काम के लिए जेल में डाल दिया जाता है जो कि इनके मुल्क में नॉर्मल सी बात होती है, जिसे लोग समझ ही नहीं सकते कि ऐसा करने पर भी इन्हें यहाँ सजा हो सकती है। ऐसे ही एक इंग्लैंड की लड़की से बातचीत करने के बाद जो बात उसने बताई वो हैरान कर देने वाली थी, और इसकी वजह से इसे 23 दिन के लिए जेल जाना पड़ गया। इस लड़की ने खुले में अपने बॉयफ्रेंड को किस कर लिया था, और इस लड़की का कहना था कि जेल में लड़कियों को एक दूसरे के साथ बात नहीं करने दी जाती, और साथ ही शाम होते ही बैरिक की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। और दोस्तों, अब हम आपको दुबई का एक और कानून बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर बैरून ममालिक से आई लड़कियों को जेल की हवा खानी पड़ जाती है। अगर आप भी कभी दुबई घूमने के लिए जाएं, तो इन बातों का खास ख्याल रखें। सबसे पहले तो दुबई में कपल को खुले में किस करना मना है, और हाथों से किसी किस्म के गंदे इशारे करना भी जुर्म है, और खुले में शराब पीना गैर कानूनी है, और किसी भी औरत की उससे इजाजत लिए बिना तस्वीर बनाना भी जुर्म है। तो दोस्तों, आप दुबई की जेलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।